अगर इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव करवाया गया तो उससे हजारों करोड़ रुपए के निवेश हो, उस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार ने अच्छे कदम उठाए हैं। और केंद्र की सरकार ने भी हिमाचल को बहुत सहयोग किया, विशेष राज्य का दर्जा वापस दिया, जिससे अब हिमाचल को अपना पैसा कम डालना पड़ता है, केंद्र सरकार का पैसा ज़्यादा आता है। पहले 60-40 की रेशो थी, अब 10-90 की रेशो हो गई है, केवल 10% पैसा हिमाचल को देना पड़ता है। 14वें वित्त आयोग में हमने 13वें वित्त आयोग के मुकाबले दुगने से ज़्यादा पैसा हिमाचल प्रदेश को दिया, और इस साल भी 19,309 करोड़ रुपया हिमाचल को केंद्र की ओर से मिलेगा, जिसमें 11,431 करोड़ रुपया केवल रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है, जो हिमाचल के लिए एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप देखेंगे तो 5600 करोड़ रुपया उत्तराखंड को मिलेगा, 7500 करोड़ के लगभग पंजाब को मिलेगा, लेकिन हिमाचल प्रदेश को 11,431 करोड़ रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के रूप में मिलेगा, क्योंकि राज्य के सभी जिलों का ध्यान राज्य की सरकार को रखना होता है। निश्चित तौर पर भविष्य में जब कई तरह के तरीके होते हैं, 10% 25% 50% कितना योगदान दे सकते हैं, उस समय समय पर निर्णय किए जाते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है राज्य की सरकार उस दिशा में भी देखेगी, क्योंकि आय कम है राज्य की, इसलिए मुश्किलें भी हैं, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि जहां तक रेलवे लाइन की बात है, राज्य की सरकार भी सकारात्मक रुख उस पर लेगी, और कुछ भी इनका हिस्सा आता है तो बाकी हिस्सा केंद्र सरकार की ओर से हम करवा कर देंगे, ताकि हमीरपुर को रेलवे लाइन। मैं दो बातें आपसे कहूँ, अगर आज के समय में हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा फ्लाइट्स कहीं पर आती, धर्मशाला में आती हैं, वहीं पर शिमला और कुल्लू वाले एयरपोर्ट पर जमीन की कमी के कारण उसका विस्तार नहीं हो पाता, तो आवश्यकता बड़े एयरपोर्ट की भी है। राज्य की सरकार तय करी कहाँ पर नए और बड़े एयरपोर्ट बन सकते हैं, वहीं पर पुराने तीनों एयरपोर्ट में से किसी के बड़े होने की संभावना है तो धर्मशाला की है। हमने 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन से मिलकर भी ये मांग रखी है, मैंने व्यक्तिगत रूप से भी रखी है, कि धर्मशाला के एक्सपेंशन के लिए भी और नए एयरपोर्ट के लिए, मंडी के लिए भी पैसा अपने प्रावधान में वो करके दें, ताकि भविष्य में केंद्र सरकार उसमें मदद कर सके।